बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। यूपी का ये दस्तूर बन गया है कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाए। कि जो विक्टिम्स है, जो नौजवानों का कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली वालों के साथ गुलबर्गा के लोग हैं और दुआ करते हैं कि उन शहीदों को अल्लाह ताला आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में अता करे। आज मुस्लिम चौक पर गुलबर्गा सिटीजन की जानिब से संबल में हुए दर्दनाक दहशतगर्दी के खिलाफ एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर हम यही कहना चाहते हैं कि संबल में जो 5 बेकसूर नौजवानों को संबल की पुलिस ने दिन दहाड़े शूट किया, उनके खिलाफ FIR किया जाए और उन्हें जेलों के पीछे डाला जाए और एक जुडिशियल इंक्वायरी उस जज के ऊपर की जाए जिस जज ने एक दिन में, एक घंटे में ASI को सर्वे करने का ऑर्डर किया। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों को ना सुनते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर किया और ASI के सर्वेयर्स स्पॉट पे आए, वो उसी दिन आकर सर्वे करते हैं, तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यहीं पे कॉन्स्पिरेसी है और झगड़े की जड़ यहीं पे है और ये लोगों को FIR, इन लोगों के खिलाफ FIR होना है, ये लोग जेल में जाना है, वरना संबल में आप देखेंगे बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप अंदाजा लगाइए उन बेकसूर नौजवानों के खानदानों को, उनके घरों को उजाड़ दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। आज यूपी में पूरा सा गुंडा राज चल रहा है, संबल में दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, देश पूरा संविधान के नाम पर जश्न मना रहा है, संविधान दिवस के नाम पर, मगर संबल में संविधान की हत्या की जा रही है कि जो विक्टिम्स है, जो नौजवानों का कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली वालों के साथ गुलबर्गा के लोग हैं और दुआ करते हैं कि उन शहीदों को अल्लाह ताला आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में अता करे। और हम यहाँ से जो संबल के लोगों को, ये संबल के विक्टिम्स को यही कहना चाहते हैं कि आपने हिम्मत जो बताई, हिम्मत से रहिए, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। हम मजम्मत करते हैं वहां के MP के ऊपर FIR हुआ, जो MP साहब बेंगलुरु में मुस्लिम बदला वोट की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जबकि FIR होना चाहिए था पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, मगर FIR होता है संबल के बर्क साहब के ऊपर और वहां के MLA के ऊपर, जो बर्क साहब बेंगलुरु में होते हैं। तो ये कानून जो है, कानून नहीं डिक्टेटरशिप है, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, जिसकी हम गुलबर्गा से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो गुलबर्गा में इससे बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। के संबल में जिस तरीके से बेरहमी और बर्बरियत के साथ यूपी पुलिस ने माथों पर, पेशानियों पर निशाना लगाकर गोली चलाई है और मासूम 5 अफराद को शहीद किया है, नईम को, बिलाल को, कैफ को और 2 और ऐसे शहीद हैं जिनका आज हम लोग अगर उनकी जिंदगियां वापस लौटाना चाहें तो लौटा नहीं सकते हैं। वो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको आला से आला जन्नत में मुकाम हासिल हो, जन्नतुल फिरदौस में। कांवड़िया की जब रैली निकलती है, जब जुलूस निकलता है यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर, तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। जब मुसलमान एहतजाज करता है तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। ये आज का हिंदुस्तान बन गया है और खास करके यूपी का ये दस्तूर बन गया है योगी हुकूमत में, योगी सरकार में, कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से टारगेट किया जाए, कहीं पर उनका एनकाउंटर किया जाए। कमोबेश 3,500 ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुआ है जो के कानून के खिलाफ है। नारे लगाते हुए मस्जिद में एंटर करता है तो वहां पे वो दहशत गर्द, बोलता हूं मैं तो, अगर अरेस्ट करना है, अगर FIR करना है
कोई मास्टरमाइंड है यू असम्बल के जो 5 नौजवानों के ऊपर कत्ल हुआ, तो मैं बोलता हूँ विष्णु सिंह है, क्योंकि वो एडवोकेट नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसा है। जबकि ये नारे लगाना ये अगर संविधानिक है, माहौल को खराब करने की साजिश है, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि विष्णु सिंह के ऊपर FIR हो, ना कि 15 से 20 नौजवानों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक के जो इलाहाबाद में जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी है, उनको अरेस्ट किया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबल में ये केस हो रहा है और इलाहाबाद में वहां के लीडर को अरेस्ट किया जाता है। वो लीडर जावेद मोहम्मद साहब यूपी की NRC के वक्त ना उनका घर पूरा उठा दिए थे, वही से लीडर। तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूँ, यहाँ से हमारी गुलबर्गा से आवाज जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ये यूपी गवर्नमेंट को एक जिस तरह से बुलडोजर पे तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस जो वर्शिप एक्ट को जो भी तोड़ेगा उसके ऊपर भी तमाचा मारे। यूपी अन्याय आगता है, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದರೆ. ಇವತ್ತು ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಭೀ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೂ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಯಾವುದು ಆಗ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಬಿ ಅನ್ಯಾಯ ಖಿಲಾಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, हालांकि 1947 का एक लॉ है जिसमें जो है ना 1947 के बाद जो भी रिलीजियस इमारतें हैं उस पर कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उसके बावजूद भी ऑर्डर पास करता है. इलेक्शन का माहौल रहता है, तनाव का माहौल रहता है, जज उसके बावजूद भी जो है ना ये ऑर्डर पास करता है. तो कहीं ना कहीं ये जज भी इन्वॉल्व है इस तरीके का माहौल खराब करने के लिए. हम लोकसभा के अपोजिशन लीडर और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर से ये डिमांड करते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाए, इस जज के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करे. कहीं ना कहीं ये जज भी इसमें इन्वॉल्व है. उसके बाद उसी दिन जो है ना इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी होने का पीसफुल सर्वे रिपोर्ट बनाई जाती है 19 तारीख के दिन. उसके बाद फिर 24 तारीख के दिन सुबह 7 बजे निकलते हैं ये सर्वे करने के लिए. ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मुसलमानों को इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा, इसी तरीके से उनके बच्चों को शहीद किया जाएगा. तुम क्या कर सकोगे, ये सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, ये जो कम्युनल सरकार है, एक सवाल है हमारे लिए. हम इसको किस तरीके से जवाब देते हैं आने वाले दिनों में, ये हमें सोचना चाहिए. कहाँ का इंसाफ है ये? क्या गलती सिर्फ इतनी सी है कि मुस्लिम है, मस्जिद के लिए प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो आप पीसफुली कर रहे हो, बल्कि वो बाहर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. सिर्फ इतनी सी गलती है मुसलमानों की, इतनी सी गलती है कि वो गोश्त खाता है तो उसको अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उसको मार देते हैं, या अपने हक की आवाज करता है तो उसको अरेस्ट करते हैं. यूपी पुलिस की गलती इतनी सी है कि वो इतनी नाकारा निकम्मी सरकार है. आज वहाँ की युवा या देश की युवा भाजपा से उनका भ्रष्टाचार रोकने के लिए बात करती है, या जॉब्स के लिए बात करती है, या किसी इंसाफ के लिए बात करती है, तो उनको इंसाफ दिलाना नहीं होता या भ्रष्टाचार रोकना नहीं होता. इसलिए नई नए से ये मुद्दे उठाती है, या पब्लिक को माइंड डाइवर्ट करके, हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद मंदिर करके, इस देश का जो संविधान है, ये जो पीसफुल माहौल है, खराब करने के चक्कर में कुछ वो नहीं चाहता उनका कि आम पब्लिक सर्वाइव कर रही है. इसमें उनके बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ते हैं, जो ये नारे लगाते हैं उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं. ये जो गली में भक्त निकले हैं बीजेपी के, वो उनको उनके पास ना जॉब है ना कुछ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी लगाने के लिए है और कत्लेआम करने के लिए है. तो हमारी ये डिमांड है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यूपी और संबल में जो शाही जामा मस्जिद का जो मसला चला हुआ है, या वहाँ जो आज जो क्लाइमेट बना हुआ है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए.